स्वर्गीय मनीषा पाठक स्मृति टेनिस बाल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच में वीएलसीसी धनपुरी की शानदार जीत। पुलिस महानिदेशक श्री डीसी सागर ने किया पुरस्कार वितरण। शुरुआत में ही नशा मुक्ति के लिए युवाओं को किया प्रेरित। उन्होंने कहा, नशा मुक्त जीवन ही स्वस्थ जीवन का नशा। कई प्रकार के होते हैं, सिर्फ शराब व मादक पदार्थ का सेवन ही नशा नहीं है, बल्कि आज के परिवेश में सोशल मीडिया का एडिक्शन भी समाज को खोखला बना रहा है। यह बात शहडोल जोन के एडीजीपी डीसी सागर ने स्वर्गीय मनीषा पाठक स्मृति अंतर्राज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि ने कही। उन्होंने कहा कि जीवन अनमोल है, ऐसे में वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन अवश्य करें, बाइक चला हेलमेट का इस्तेमाल करें, तो वहीं चार पहिया चालक सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से बांधें। इसके अलावा निर्धारित गति पर ही वाहन चलाएं। मुख्य अतिथि डीसी सागर ने कहा कि जीवन अनमोल है, इसे नशे से बचाना होगा, तभी आप देश और समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वस्थ भोजन, नशा मुक्त जीवन ही बेहतर लक्ष्य तक आपको पहुंचा सकता है। मुख्य अतिथि ने कहा कि आज समाज में विभिन्न तरह का नशा विद्यमान है, जिससे दूर रहने के साथ ही नशे का व्यापार करने वालों की सूचना भी पुलिस को देना सामाजिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति ही सच्ची देशभक्ति है। मुख्य अतिथि एडीजीपी डीसी सागर ने मंच के माध्यम से न सिर्फ नशा मुक्ति का संदेश दिया, बल्कि मौजूद खिलाड़ियों सहित मौजूद सैकड़ों लोगों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बलमीत सिंह खनूजा ने कहा कि जीत हार खेल का अभिन्न हिस्सा है। जब दो टीमें आपस में खेलती हैं तो किसी एक ही टीम की जीत होती है, लेकिन प्रयास जारी रखना चाहिए। इसके साथ ही दोनों टीमों को बधाई दी। स्वर्गीय मनीषा पाठक स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बादशाह 11 और पीएलसीसी धनपुरी के बीच खेला गया, जिसमें टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बादशाह 11 शहडोल ने निर्धारित 20 ओवर में 18वें ओवर के दौरान सभी विकेट खोकर 122 रन ही बना पाई। वहीं दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करते हुए धनपुरी ने 10 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। वीएलसीसी धनपुरी की ओर से बल्लेबाज राम सिंह ने अर्धशतकीय पारी खेली। मैच के दौरान अंपायर अमृतांशु मिश्रा व सारिक उस्मानी रहे। कमेंट्री प्रेम कुमार, सुधीर शर्मा व मनीष राय ने सुनाया। साथ ही स्कोरर की भूमिका सानू व हसन ने निभाया। मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में थाना प्रभारी बुढ़ार राजेश चंद मिश्रा, विनोद पाठक, भानु दीक्षित, नौशेरमा खान, असलम सम्राट, श्रीकांत शर्मा, गीत अनुरागी, बद्री पांडे, विजय यादव, योगेंद्र सिंह, पुष्पेन तामका, शानू छाबड़ा, हर्ष पाठक, रेणुका शुक्ला, श्रीमती मंजूलाल, ऋषि जैन, अवधेश पांडे, शाहिद खान, शिवम द्विवेदी, राकेश त्रिपाठी, अतुल शुक्ला, योगेंद्र सिंह, भूपेन सिंह, दीपक मांझी लालू, नितिन सिंह राणा, तबरेज खान के अलावा कई अन्य अतिथि मंचासीन रहे। आयोजन समिति के संयोजक सुजीत चतुर्वेदी, आनंद त्रिपाठी, यश पाठक, संजय गौतम, गोल्डी वर्मा, चंदू चौधरी, बेटू गुप्ता, मोनू तिवारी, दीपक चौधरी, अमित सिंह राजपूत, राज अवधिया, अली खान, लक्की सिंह, रिशु सोनी, पंकज सेन के अलावा दर्जनों सहयोगियों के कारण आयोजन सफल रहा। हम शपथ लेते हैं, हम नशा करेंगे, नशा करेंगे, हम नशा करने देंगे, नशा करने देंगे, जो नशा बेचेगा, जो नशा बेचेगा, थाने में रिपोर्ट करेंगे, थाने में रिपोर्ट करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया के बंधुओं, जनता के लिए, युवाओं के लिए और सभी अवस्थाओं के लोगों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए। जो संदेश है कि कृपया करके जो सोशल मीडिया है उसके नशे में अपने आप को मत पड़ने दीजिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल उतना ही कीजिए जितना आपकी जो दिनचर्या है उसमें उपयोगी हो। उसके अत्यधिक इस्तेमाल से आप सोशल मीडिया के नशे में पड़ सकते हो और अपनी जो जिंदगी है उसको निराशा की ओर अग्रसर करोगे। दूसरी बात, जब आप टू व्हीलर फोर व्हीलर वाहन चलाएं तो यातायात के नियमों का पालन करें, जिसमें टू व्हीलर में गुणवत्तापूर्ण हेलमेट पहनें और उसकी सेफ्टी बेल्ट लगाएं। फोर व्हीलर है तो आप सेफ्टी बेल्ट लगाइए उसकी, और जो साथ में आपके सहचर बैठा है वो भी सेफ्टी बेल्ट लगाएं, और जो ट्रैफिक के नियमों में निर्धारित गति है उसी गति से चलाएं और यातायात के नियमों का पालन करें। तीसरी बात यह है
कि आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप अच्छा खाना खाइए, आपके खाने में एक संतुलित आहार होना चाहिए जिससे कि आप में स्फूर्ति बनी रहे, और नशा किसी भी प्रकार है उस नशे को आप त्यागिए। आप शपथ लीजिए कि आप नशा नहीं करेंगे, चाहे वो मादक पदार्थ का है या वो शराब का है और या वो अन्य प्रकार की जो रासायनिक गोलियां मिलती हैं या रासायनिक जो कफ सिरप मिलते हैं वो हैं। तो आज ये तीन बातों पर मैंने प्रकाश डाला, पहली सोशल मीडिया, दूसरी चीज़ है कि आप यातायात नियमों पालन करें, तीसरा आप नशा मुक्ति को एक देशभक्ति के रूप में लेकर चलें। धन्यवाद, जय हिंद।